हाय लवर्स, कैसे हो? ओप्स, आप अच्छे होगे। मैं हूँ आपकी दोस्त आरोही, और आज की वीडियो सबसे सुपर होने वाली है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ जो बॉयज की मोस्ट डिमांडिंग है, कि लड़कियों की तारीफ कैसे करें, किस अंग की तारीफ करवाना लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। अगर ये चीज जान गए तो डेफिनेटली तुम किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने में मास्टर बन जाओगे, क्योंकि लड़कियों को अगर आपको इम्प्रेस करना है या फिर अपनी क्रश को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी, तो पहले उसकी तारीफ सही से करनी सीखनी पड़ेगी। अब तारीफ की बात करें तो तुम सोच रहे हो कि चलो मैं ऐसे हॉट और सेक्सी बोल देता हूँ, कि तुम बहुत हॉट हो, तुम बहुत सेक्सी हो, वाओ, योर लिप्स, हिप्स, थाइस, वाइस, सब गजब। बट ऐसा मत करना, चप्पल पड़ेंगे, क्योंकि लड़कियों को डायरेक्टली ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं उन सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ जो एक्चुअल में ये सब सुनना पसंद। अब तारीफ की बात करें तो तुम सोच रहे हो कि चलो किसी लड़की की ना हिप्स, लिप्स, थाइस, वाइस, इसकी तारीफ कर देते हैं। लड़कियां चाहती भी हैं फिगर की तारीफ सुनना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, चप्पल पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि लड़कियों को डायरेक्टली ये सब डर्टी लैंग्वेज में, डर्टी वर्ड्स में तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो तुम्हारी क्रश है या फिर तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्पेक्टफुली तो तारीफ करनी होगी ना। अगर तुम उसे हॉट और सेक्सी और नॉटी ऐसी डर्टी फ्लर्टी करोगे तो उसे लगेगा ये लड़का छपरी है, ये मुझे यूज करना चाहता है। तुम्हारी इमेज 2 सेकंड में डाउन हो जाएगी, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहले तारीफ करनी है उसकी वॉइस की। अगर तुम चाहते हो ना कि वो तुमसे लगातार बात करे, तो तुम उसकी ना वॉइस की तारीफ कर दो, कि यार तुम्हारी वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, दिल को छू जाती है तुम्हारी वॉइस, वाह कितना अच्छा बोलती हो तुम। जब तुम उसकी वॉइस की तारीफ करते हो ना, तो लड़के समझती है मुझे सुनना चाहता है, तो उसके सामने वो ज्यादा से ज्यादा बातें करना फिर शुरू कर देती है। कंटिन्यूअसली वो तुमसे बात भी करती है। नेक्स्ट है उसके दिल की तारीफ। देखो, अगर तुम्हें उसका दिल जीतना है तो दिल की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब आप सोचोगे कि कैसे करूं दिल की तारीफ, तो ऐसे करो ना कि तुम दिल की ना काफी अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत प्योर है। इतनी सच्ची और अच्छी दिल की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसी तारीफ करो, फिर देखना लड़की के दिल पे बस जाओगे, उसके दिल को छू जाओगे तुम। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, सिंप्लिसिटी। जब आप किसी लड़की को कहते हो ना कि यार तुम्हारी सिंप्लिसिटी कितनी औसम है, तुम्हारी सिंप्लिसिटी ही तुम्हें खूबसूरत बनाती है, तुम बिना मेकअप के भी इतनी अच्छी लगती हो, नेचुरल ब्यूटी यू आर। जब ऐसी तारीफ तुम करते हो तो उसे लगता है कि ये बंदा एक्चुअल में सच्चा है और मेरी इनर ब्यूटी को देखता है। किसी भी लड़की को खूबसूरत कहलाना काफी अच्छा लगता है, और विदाउट मेकअप जब तुम कहते हो ना नेचुरल ब्यूटी हो तुम, तो उसे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट तारीफ है मल्टी टैलेंटेड की। जब उसे तुम कहते हो वाओ यू आर अमेजिंग, एक इंसान इतनी सारे टैलेंट कैसे रख सकता है, ख्वाब हो या हकीकत, कैसे मैनेज करती हो यार, तुम्हारे में तो बहुत सारी क्वालिटी है। जब तुम ऐसे कहते हो ना कि तुम उसकी सारी क्वालिटीज की तारीफ हो जाती है, उसके बाद वो तुमसे पूछती है कि कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो, मुझ में ऐसा क्या है, बातें फिर खुलने लगती है, वे फिर तुमसे ज्यादा बातें करने लगती है, फिर अपने बारे में सब कुछ भी बताने लगती है। तो ये एक ट्रिक भी हो गई कि तुम उसके अंदर की बात अगर निकालना चाहते हो कि क्या उसे आता है, क्या नहीं आता है, क्या जानती है, कितनी मैच्योर है, क्या पसंद है, नहीं पसंद है, तो तुम ये तारीफ जरूर करके देख। तारीफ नंबर 6, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। जब तुम उससे ट्रस्ट की बातें करते हो ना, तो उसे लगता है कि यार ये मुझ पर भरोसा करता है। स्टार्टिंग में ही तुमने जब कह दिया है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, तो वो उसके आगे तुम पे डाउट करना भी छोड़ देती है। और लड़की को ये सुनना काफी पसंद आता है कि किसी बंदे को मुझ पर ट्रस्ट है, मेरी बात पे भरोसा है उसे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग की और उसके स्मार्ट लुक की। जब तुम उसकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करते हो, स्मार्ट लुक की तारीफ करते हो, और उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की जब तारीफ करते हो, तो वो क्यूटनेस वर्ड से भी ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। किसी लड़की को पसंद होगा क्यूट कहलाना, बट जब उसे तुम मेच्योर, स्मार्ट लुक, अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो कहलाना उसे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो तुमसे बातें और ज्यादा करती है, और फिर वो सोचती है कि ये बंदा जेन्युइन तारीफ कर रहा है, मेरी झूठी या फेक तारीफ नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं खास, इंपॉर्टेंट। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, काफी खास हो तुम मेरे लिए। आई डोंट नो हाउ, बट
तुम मेरे लिए लाइफ का इंस्पिरेशन हो। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ मेरी लाइफ की सारी परेशानी दूर हो जाती है। क्या है तुम मेरे साथ? ये वर्ड लड़कियों को काफी इंप्रेसिव लगता है। उसे लगता है कि ये बंदा मेरे मेरी इतनी इंपॉर्टेंस समझता है कि इसके लाइफ में मैं इसकी स्ट्रेस को दूर कर देती हूँ, ये मैं इसके लिए इतनी ज्यादा खास हूँ। लड़कियां काफी इंप्रेस होती हैं। लड़कियां अक्सर अपनी आंखों की तारीफ करवाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कोई लड़का उसे ये कहे कि तुम चुप भी रहती हो ना, फिर भी तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल जाती है, छुपाओ मत, बताओ क्या हुआ। ऐसा ही जब तुम किसी लड़की को कहते हो तो उसके दिल को छू जाते हो, क्योंकि लड़कियां अपनी आंखों को काफी संवारती हैं, काजल लगाती हैं, अपने आंखों से सब कुछ कहना चाहती हैं, उसकी आंखें एक्सप्रेशन सब कुछ देती है। और तुम अगर उसकी एक्सप्रेशन की तारीफ करते हो, उसकी आंखों की तारीफ करते हो, तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब बात करते हैं फिगर की तारीफ। देखो, फिगर की तारीफ ऐसे नहीं की जाती। तुम उसे कभी भी किसी और से कंपेयर मत करना। हर लड़की को पसंद होता है कि वो स्लिम दिखे। तुम उसके स्लिम फिगर की तारीफ करो कि हाँ, तुम अच्छी लगती हो, साड़ी में अच्छी लगती हो, सूट में, वेस्टर्न वेयर में, कुछ भी पहनो, तुम्हारा फिगर परफेक्ट है। लड़कियों को ऐसा ही फिगर होना चाहिए। काफी मेंटेन करके रखा है अपना फिगर। जब ऐसी चीजें तुम कहते हो ना, तो वो डर्टी भी नहीं लगती है और उसे उसकी फिगर की तारीफ भी मिल जाती है। तो ये बेटर हुआ ना, तुम्हारी इमेज भी अच्छी हो गई और तारीफ भी अच्छी हो गई। होप सो कि ये वीडियो तुम्हें काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो ना। और आप मेरी क्या तारीफ करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में मेरे लिए भी एक तारीफ लिख दो ना।